हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है। टीचर रिक्रूटमेंट के अलावा यहां पर स्टाफ रिक्रूटमेंट की भी नोटिफिकेशन है, तो जो स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए देख रहे हैं जैसे कि कुक, चौकीदार एटसेट्रा, वो भी यहां पर चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और बाकी मेन सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। 16 कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल को कवर अप किया गया है, उनके पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको क्लब करके ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो बिल्कुल रिसेंटली ये नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम चलेंगे और देखेंगे कि कहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। 21 मई 2021 को ये जारी की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सारी डिटेल्स। तो ये इस तरीके से है, आपको नजर आ रही है पीडीएफ, 5 पेजेस की पीडीएफ है। जो जो मेन हाइलाइट्स है वो जरूर कवर करेंगे। यहाँ पे रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाएगी, लेकिन मील फ्री या फूड फ्री नहीं अवेलेबल कराई जाएगी। फूड की व्यवस्था खुद, भोजन की व्यवस्था खुद अपनी करनी होगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन्ड है। और पूर्णकालिक जो पोस्ट है, मीन्स जो फुल टाइम टीचर्स है, उनके लिए फीमेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी जो अंशकालिक शिक्षिका के पोस्ट है, वहां पर फीमेल एंड मेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर लेखाकार में महिला को ही अपॉइंट किया जाएगा। कंप्यूटर के लिए, पार्ट टाइम के लिए मेल या फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उर्दू की भी टीचर रिक्रूट वैकेंसी है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे उर्दू के लिए पूछ रहे हैं बहुत दिनों से कि उर्दू की वैकेंसी नहीं आती। उर्दू की काफी वैकेंसीज आई हुई है, 6 वैकेंसीज है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। रसोईया, चपरासी, चौकीदार के लिए भी जो 8 स्टैंडर्ड पास है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टोटल 40 यहाँ पर वैकेंसीज है। नई नोटिफिकेशन जारी की गई है 21 मई 2021 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से। तो बुलंदशहर भी वापस से आपके उत्तर प्रदेश में ही आता है। यहाँ पर मुझे डोमिसाइल वर्ड यूज नहीं किया हुआ दिखाई दिया। तो अगर बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो डालें एप्लीकेशन, क्योंकि फ्री एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कॉस्ट नहीं है, कोई भी फी नहीं डिमांड की जा रही है। तो अगर एप्लीकेशन डालने की में इंटरेस्टेड हो तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन। तो 18 मई 2021 के अनुपालन में जनपद बुलंदशहर में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा अनुबंध संविदा के आधार पर। अब संविदा कितने दिनों की है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है 11 मंथ्स 29 डेज, मतलब 12 मंथ्स, मीन्स 1 ईयर के लिए फिलहाल ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। बट ऐसे केसेस में, कस्तूरबा के केसेस में कई बार कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। तो 16 कस्तूरबा जो कि बुलंदशहर में आते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट में, वहां से सभी जो वैकेंट पोस्ट है उनको क्लब किया गया है। हिंदी के लिए एक ही पोस्ट है, लेकिन बाकी मैथमेटिक्स के लिए 7 पोस्ट है, साइंस के लिए 6 पोस्ट है, और सामाजिक मीन सोशल साइंस के लिए 3 पोस्ट है। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 हैं, 2 पोस्ट। संगीत कला क्राफ्ट के लिए 4 है। लेखाकार के लिए, महिला के लिए 2 पोस्ट्स हैं। कंप्यूटर के लिए 4 पोस्ट्स हैं। उर्दू के लिए 6 पोस्ट्स हैं। रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इन सब के लिए 1, 1 और 3 रेस्पेक्टिवली। तो टोटल 40 पोस्ट्स हैं। अब यहाँ पर मेन समझ लेते हैं कि पूर्णकालिक शिक्षिका में, मैंने आपको पहले बताया फीमेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका के पदों पर, और उनको वहां पर ही रेसिडेंस दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है स्कूल कैंपस में। पूर्णकालिक शिक्षिका को वहीं रहना होता है, फूड की व्यवस्था खुद अपनी करनी होगी। तो इसके लिए आपको, आपके पास बीएड या फिर एलटी इत्यादि या एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी आदि से प्रशिक्षित योग्यता एवं उच्च स्तर प्राथमिक स्तर की टेट, तो टेट तो एक मैंडेटरी हो गई, टेट तो उच्च प्राथमिक स्तर की होनी चाहिए, प्लस बीएड अगर नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई आपने टीचर ट्रेनिंग की हुई है, संस्कृत एंड हिंदी से प्रशिक्षित स्नातक। तो अगर हिंदी से भी है ग्रेजुएशन या संस्कृत से भी है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मीन्स हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 22,000 रुपीज फिक्स्ड है सैलरी पर मंथ। 25 से 45 ईयर्स की एज लिमिट है। मैथमेटिक्स के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वर्ग से ग्रेजुएशन, मीन्स आपने पीसीएम में से किसी एक से अगर ग्रेजुएशन की है, बीएड या फिर एलटी या फिर इक्विवेलेंट आपके पास टीचर ट्रेनिंग है। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी अगर एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आदि वर्ड यूज किया गया है। 7 पोस्ट है।
फुल टाइम टीचर के लिए टेट सभी के लिए मैंडेटरी है, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट। विज्ञान के लिए भी सेम रहेगी, ZBC मीन्स जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री से आपने की हुई है या साइंस में ग्रेजुएशन, और BEd या फिर LT या फिर इक्विवेलेंट कोई टीचर ट्रेनिंग है टेट की हुई है आपने उच्च प्राथमिक स्तर की, तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एज लिमिट सभी के लिए लोअर एज लिमिट 25, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। 6 पोस्ट है यहाँ पर। इसी तरीके से सोशल साइंस के लिए भी सेम रहेगी, भूगोल इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से अगर आपने की हुई है ग्रेजुएशन तो BEd या फिर इक्विवेलेंट LT या फिर कोई और आपने टीचर ट्रेनिंग की है एप्लीकेशन डालना चाहे तो जरूर डाल सकते हैं। 3 पोस्ट है यहाँ पे, 22,000 रुपीज फिक्स्ड है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के लिए किसी भी टीचर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। BPed, CPed एवं DPed आदि उपाधि अगर आपके पास है तो या MPed तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 2 पोस्ट है, 9,800। ये अंशकालिक मीन्स आपको वहां रुकना नहीं होगा, क्लास के वक्त या कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको वहां जाना होगा, क्लास लेनी होगी और फिर आप घर जा सकते हैं। फुल टाइम टीचर्स को वहीं पर रहना होता है। संगीत कला क्राफ्ट के लिए भी है यहाँ पर BEd, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है इन सब के लिए। 9,800 रुपीज, 4 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। लेखाकार महिला ये अच्छा है, वाणिज्य में अगर कॉमर्स में आपने स्नातक की है एंड MS ऑफिस आपको आते ही अच्छे से MS ऑफिस पर आपको काम करना आता, नहीं भी आता है तो फिलहाल आप एप्लीकेशन डाल दें, MS ऑफिस सीख लें। डोएक या कोई भी अगर कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल या कोई भी ऐसा आपने कंप्यूटर की कोर्स की हुई है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है। मींस प्लेन MCOM कैंडिडेट, सॉरी BCOM कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेडी कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को ही हायर किया जाएगा, 2 पोस्ट है यहां पर। इसके लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग होनी जरूरी नहीं है, और कंप्यूटर के लिए टीचर ट्रेनिंग होनी होगी तो वो आप देख लें, काफी सारी डिग्री दी हुई इनमें से कोई भी आपके पास है। 9,800, 4 पोस्ट है टोटल। उर्दू के लिए वैकेंसी है, उर्दू के लिए भी टीचर ट्रेनिंग उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी जरूरी है। 6 पोस्ट है टोटल, 6 पोस्ट है। सहायक रसोईया 1 पोस्ट और चपरासी और चौकीदार के लिए 8 स्टैंडर्ड पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 5,175 रुपीज एंड 5,750 रुपीज ऐसे आपको पेमेंट की जाएगी पर मंथ। टोटल 40 पोस्ट है, तो ये इस तरीके से डिटेल दी हुई है यहाँ पर। और आपको एज कैसे कैलकुलेट करनी है, 1 अप्रैल 2021 को बेस लेकर आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट अपनी चेक करनी है। और इसके अलावा लास्ट डेट वगैरह हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एग्जामिनेशन नहीं होगी कोई भी, जो जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए। पॉइंट नंबर 16 को ठीक से पढ़ें। आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबंध के आधार पर एक शैक्षणिक सत्र 11 माह 29 दिन के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए भी अनुबंध का विस्तारीकरण किया जाएगा। मतलब साफ साफ लिख दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसके अलावा इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 20 जून 2021 साय 5 बजे तक कार्यालय, एड्रेस दी हुई इस एड्रेस पर आपकी। पॉइंट नंबर 19 को अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्या क्या चीजें अटैच करनी है, किस तरीके से अटैच करनी है। 2 इसमें एनवेलप एक्स्ट्रा डालने होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजनी होती है, और जो भी उस पर डाक टिकट की जरूरत होगी वो जरूर आप लगाएं, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती है। सभी चीजें अच्छी तरीके से भेजें, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो 20 जून 2021 तक शाम 5 बजे ऑफिस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए आपकी एप्लीकेशन। इसके अलावा फॉर्म यहीं पर अवेलेबल है, फॉर्म आपको यहां पर से ले लेनी है इसी से PDF से। अब चेक कर लेते हैं कि कहां पर ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट जिला बुलंदशहर, यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल मिल जाएंगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेंगी।